ठीक है, सबका स्वागत है मेरे चैनल इंडियन टेक्नोपैथ में। गाइस आज हम लेसन 11 करने वाले हैं, जिसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट टैग्स को कवर करेंगे, यानी हेड टैग, टाइटल टैग और कुछ टैग्स का हम आज सीखेंगे। तो गाइस इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट टैग्स है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस अभी मैं VS कोड यूज़ कर रहा हूँ, यानी विजुअल स्टूडियो कोड। अब ये इसने, आप कोई भी कोड एडिटर यूज़ कर सकते हैं, यानी नोटपैड प्लस प्लस भी यूज़ कर सकते हैं, नोटपैड हो, सबलाइम टेक्स्ट हो, आप ऐसी कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि विजुअल स्टूडियो कोड में किया तो अलग कोड होएगा, मतलब अलग लिखना पड़ेगा, HTML अलग होती है, ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने विजुअल स्टूडियो कोड लिया क्योंकि इसमें ईजी रह जाता है टाइप करने के लिए। अभी यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल लेता हूँ और लेसन 11 का नाम रख देता हूँ मैं इसको, और .html लिखना मत भूलना, एंटर। तो गाइस हमारा एक नया वो बन गया है, अपना एक फाइल HTML की। तो मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ओके, ज़्यादा हो गया थिंक। हाँ गाइस, अब यहाँ पर मैं अपना जो भी HTML होता है उसको लिख देता हूँ, एंड यहाँ पर बॉडी टैग को लिख देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने HTML बॉडी HTML स्लैश बॉडी स्लैश HTML लिख दिया, यानी ख़त्म भी कर दिया। तो अभी बॉडी को ख़त्म कर दिया, यहाँ HTML को ख़त्म कर दिया, एंड कर दिया। अब गाइस मैंने आपको बोला मैं हेड टैग और कुछ और टैग्स करूँगा, तो सबसे पहले मैं डिलीट टैग आपको दिखाऊंगा क्या होता है वो, उसके बाद मैं हेड टैग को कवर करूँगा। तो यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, दिस इज 2020, यहाँ पर मैंने लिख दिया। अभी 2021 चल रहा है, लेकिन ये वेब पेज मैंने 2020 को पोस्ट की थी। तो यहाँ पर अगर मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ, एक मिनट, अपनी फाइल में जाकर और lesson11.html इसको क्लोज कर देता हूँ। ओके गाइस, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज 2020 आ गया। अब देखिए मैंने ये वेब पेज को 2020 यानी 2020 में पोस्ट की थी, लेकिन मेरे को अभी 2021 हो गया, तो मेरे को वो लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डिलीट टैग का उपयोग करूँगा, डिलीट टैग। ओके, यहाँ पर एंड भी करना होता है इसको, ये BR टैग जैसे नहीं है कि एंड नहीं होता, इसको एंड भी करना पड़ता है, यानी यहाँ से स्टार्ट हो गया और यहाँ पर एंड हो गया। तो मैंने 2020 को डिलीट कर दिया। अब ये बैकस्पेस तो नहीं होएगा, लेकिन देखना अब क्या होता है इससे। रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखिए इसके बीच में एक लाइन आ गई है, यानी 2020 नहीं है, ये इसको बता रहे हैं। अब क्या है आज, मतलब अभी क्या हो रहा है, उसको बताने के लिए मैं इंसर्ट टैग का यूज़ करूँगा, INS आप डालिए। यहाँ पर मेरा क्या विजुअल स्टूडियो कोड में आसान रह जाती है, मैंने आपको बोला था, तो आप बस थोड़ा स्टार्टिंग का टैग लिखिए, खुद ही एंड टैग लिख देते हैं। हाँ, मैंने इंसर्ट टैग डाला। अब यहाँ करेक्ट लिख देते हो, जो है करेक्ट, यानी 2021 हो रहा है। कंट्रोल S टू सेव एंड कंट्रोल R टू रिफ्रेश। एंड गाइस आप देख सकते हैं यहाँ 2020 नहीं चल रहा है, इसलिए ये बोल रहा है डिलीट कर दिया इसको, यानी लाइन खींच दी। और यहाँ 2021 है, यूज़र्स को बता रहे हैं भाई 2020 नहीं है, अभी 2021 है, तो ये उसको अंडरलाइन कर देता है। तो ये डिलीट टैग और इंसर्ट टैग, यहाँ आप देख सकते हैं INS और DEL, तो आप ये देख सकते हैं। अभी अब मैं आपको बताऊँगा हेड टैग और टाइटल टैग के बारे में। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिए कि हेड टैग और जो टाइटल टैग है, टाइटल टैग हेड के अंदर आता है, ओके, और जो हेड है वो हमेशा या तो बॉडी के ऊपर होता है, यानी HTML के बाद, बॉडी के ऊपर कह सकते हैं, और या तो बॉडी के बाद होता है, बॉडी के अंदर नहीं होता, ये आप ध्यान से याद रख लीजिए। और यहाँ पर मैं अगर हेड टैग खोल रहा हूँ, ओके, और ये जो है हेड टैग मैंने बॉडी के ऊपर रखा है, ऐसे ही होता है बॉडी के ऊपर या बॉडी के नीचे, मैंने अभी बोला भी था। यहाँ पर मैं इसमें यहाँ पर मैं टाइटल टैग लिख लेता हूँ। टाइटल क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊँगा अभी। तो टाइटल टैग क्या होता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ जो मेरी फाइल का नाम है lesson11.html वही इधर शो हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ और हो मेरी वेब पेज का, मतलब अगर मेरी इंडियन टेक्नोपैथ है मेरा यूट्यूब चैनल का नाम, तो मैं वही चाहता हूँ इसमें। यहाँ पर यानी आप देख सकते हैं टाइटल बार जो होता है ये, तो
टैब का जो नाम है, मैं बेसिकली वही बोलना चाहता हूँ, तो टाइटल से वो कवर हो जाता है, और हेड टैग के अंदर होना चाहिए, हेड टैग के बाहर या बॉडी के अंदर तो नहीं होना चाहिए, वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैं टाइटल के अंदर जो भी लिखूँगा वो वहाँ टैब्स में वहाँ आएगा, यानी अगर मैं लिख दूँ इंडियन टेक्नोपैथ, कंट्रोल एस टू सेव, और गैस अभी तक मैंने रिफ्रेश नहीं किया गूगल क्रोम में, तो लेसन 11.html ही है। अब आप देखना वहाँ क्या होता है, यहाँ पर 3, 2, 1, और गैस आप देख सकते हैं इंडियन टेक्नोपैथ हो गया, क्यों? क्योंकि मैंने टाइटल टैग का उपयोग किया है। तो गैस आज मैंने बस इतने ही टैग्स कवर अप किया है, बाकी टैग्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। और गैस एक और बात, हमारे 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं और कस्टम URL भी हमने पा लिया है, यानी अगर आप बस अब न्यू टैब करके youtube.com/c/IndianTechnopath लिखेंगे तो मेरा चैनल खुल जाएगा, यानी जो बड़ा सा एक लेटर्स होते हैं वो हटकर हमें इंडियन टेक्नोपैथ का कस्टम URL मिल गया। तो थैंक यू सो मच गाइज, आपने इतना सपोर्ट किया, तो गाइज ऐसा सपोर्ट बरकरार रखिए, ऐसे ही करते रहिए मेरे को सपोर्ट, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे वो भी फ्री में कोडिंग सीख पाए। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।